हाँ जी, तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेते हैं सवाल नंबर 17 से 16 तक, तब हो गए थे, ठीक है। चलो देखो, प्रश्न क्रमांक 17, ज्वारियों के लिए बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ज्वारी, मतलब अपन लोग ज्वारी नहीं है, लेकिन मतलब जो जुआ वगैरह खेलते हैं ना, उनके लिए ये बताना कि जुआ खेलना कितना गलत है, कि आप लोग जो अनुमान लगाते हो कि अब की बार 3 इक्का आ जाएंगे, अब की बार ऐसा हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती है, ये सवाल बता देते हैं, ठीक है। बहुत कम चांस रहते हैं जीतने के, बहुत कम चांस। देखो, जैसे 52 पत्तों की एक गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन किए, बिना प्रतिस्थापन विथआउट रिप्लेसमेंट, हम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं, दो पत्ते निकाल रहे हैं, दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बिल्कुल सवाल सरल है, 11th क्लास में आप लोगों ने ये सवाल पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बार फिर समझा दें प्रैक्टिकली, गेम की तरह, कि हमारे पास एक प्लेइंग कार्ड्स है, 52 कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स में से दो पत्ते निकालना है, एक के बाद एक निकाला, बाहर फेंका, दूसरा निकाला, फिर बाहर फेंका, इस तरह से दोनों पत्ते निकले, और हमने शर्त लगाई है कि अगर हम में दोनों ब्लैक आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो दोनों ब्लैक कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों के दोनों काले पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहां लिखेंगे कुल पत्ते NS 52, ठीक है, बस। और काले पत्ते कितने होते हैं, अब इसकी इंग्लिश तो आप लोग कर ही लोगे, काले पत्ते कितने होते हैं, 26, ठीक है, 26। अब भाषा इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की उतार देना क्वेश्चन की लैंग्वेज, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की भाषा उतार देना, कैसे 52 पत्तों में से दो काले पत्ते निकलने की प्रायिकता P A = अब बिना प्रतिस्थापन के, जी भी लिखना हो तो लिख देना विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना पत्ते, तो पहला पत्ता काला हमारा, कि भाई दो ही तो कलर होते हैं बाबा, हाँ, गड्डी में या तो काला या लाल, काले भी 26 होते हैं, लाल वाले भी 26 होते हैं, तो पहला पत्ता काले रंग का हमारा 26 में से निकलेगा, और 26 हमारे फेवर में है, कुल पत्ते उसमें गड्डी में 52 है। फिर जब एक काला पत्ता निकल जाएगा तो हमारे बचेंगे 25 काले पत्ते, और ये रह जाएंगे 51, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 26 एकम 26, 26 दुनी 52, बस 25 बटे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये इस सवाल का आंसर है। पच्चीस बटे 102, ठीक है। चलिए, हाँ, स्टोरी, तबीयत सी गड़बड़ है, पता नहीं क्यों थकान सी है, सिर दर्द भी हो रहा है, पर मैंने सोचा बच्चों को टाइम दे दिया है तो कोशिश करते हैं खत्म हो जाए, है ना। चलो, सवाल नंबर 18, वैसे इसको तो कर सकते हो यार, बहुत सरल सवाल है। स्वतंत्र घटना होने की शर्त लगा दो, स्वतंत्र घटना होने की शर्त क्या होती है बताओ, स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
हाँ एन पी ले लो प्रायिकता, पी ई और एफ में दिया है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ होना चाहिए। ये है शर्त इसकी, स्वतंत्र घटनाओं की, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। अगर दो इवेंट्स स्वतंत्र घटनाएं होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, तो ये शर्त का, ये कंडीशन का फॉलो होना कंपलसरी है, इस शर्त का लागू होना जरूरी है, प्रतिबंध है ये, ठीक है। तो पी सर्वनिष्ठ दिया है कितना, 1/5, और पीई दिया है 3/5, और पी एफ दिया है 3/10। तो ये 1/5, ये 9/50, तो हम देख रहे हैं बराबर नहीं है। यहां लिखेंगे चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल नहीं है पी ई एंड पी एफ के, अतः या देयर फोर है ना, अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे सिंस पीई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पीई एंड पी एफ, देयर फोर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। सही बच्चे, चल अब 19वां सवाल। किसी व्यक्ति ने निर्माण कार्य का ठेका लिया, मतलब एक ठेकेदार है, ठीक है। चलो वो देखता है हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, ठीक है। हड़ताल हड़ताल होने की, इंग्लिश में लिख देना स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक, ठीक है। हड़ताल होने की प्रायिकता, आज हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें पूरा, ठीक है। हड़ताल होने की प्रायिकता PE1 इक्वल टू, या PA कह दो, एक ही बात है, ये है 0.65 हड़ताल होने की, और ना होने की, हड़ताल न होने की प्रायिकता 1/PV या PA नॉट लिख दो, PA नॉट जे आ जाएगी 0.35। कैसे, आपको पता है PA और PA नॉट का टोटल 1 होता है, ठीक है। तो हमने पीए नॉट निकालने का फॉर्मूला लगाया है यहाँ, 1 - PA, इसका मतलब 1 में से 0.65 माइनस कर देंगे तो 0.35 आ जाएगा, ओके। चलिए अब हड़ताल ना होने की प्राय, ठीक है। अब उन्होंने एक चीज और दी है, हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य समय अनुसार पूरा हो जाए, पूर्ण होने की प्रायिकताएं, हड़ताल न होने की, ठीक है। यहां लिखेंगे और हड़ताल न होने की स्थिति में कार्य पूर्ण होना, इसकी प्रायिकता है कितनी, 0.80। मतलब हड़ताल ना हो तब कार्य पूरा हो जाए। देखो भैया दो स्थिति बनती है ना, हड़ताल हो और ना हो, तो वो जो कह रहे हैं हड़ताल ना होने की स्थिति में कार्य के पूर्ण होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है, और हड़ताल होने की
हड़ताल होने की स्थिति में कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी दी है? 0.32। ठीक है, हाँ, इन दोनों में अंतर है। ये हड़ताल होने की प्रायिकता है, ये हड़ताल ना होने की प्रायिकता है, और ये है हड़ताल ना होने, मतलब हड़ताल ना हो तो कार्य पूरा हो जाए, और ये है कि हड़ताल हो तो भी कार्य पूरा होने की संभावना 0.32 हो जाता है ना। धीरे 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 आजकल देखते हैं कोरोना कर्फ्यू लगा है तो अभी लोग वह चोरी छिपे माल बेच देते हैं, तो कम माल बेचता है चोरी छिपे। ठीक है, तो हड़ताल होने की स्थिति में कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता 0.32 है। अब हम प्रायिकता निकालते हैं, क्या की प्रायिकता पूछी है उन्होंने, निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहां लिखेंगे अब निर्माण कार्य के पूर्ण होने की प्रायिकता। तो देखो अब ध्यान से देखना है, कार्य तुम्हारा दो स्थिति में होगा। कार्य कैसे दो स्थिति में होगा? हड़ताल न होने की, मतलब हड़ताल ना हो तब कार्य पूरा हो जाए, मतलब हड़ताल ना हो तथा कार्य पूरा हो जाए, या हड़ताल हो तब कार्य पूरा हो। भाई दो ही तो दो स्थिति तो बनेगी, हड़ताल ना हो तब कार्य पूर्ण हो, हड़ताल हो तब कार्य पूर्ण हो, दोनों स्थितियों में कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, हड़ताल ना हो तो इसकी प्रायिकता क्या है? हड़ताल ना होने की प्रायिकता 0.35। हड़ताल ना होने की स्थिति में कार्य पूर्ण हो जाए तो 0.80। ठीक है, आ रहा है ना समझ? देखो एक बार फिर समझ लो, आपको पता है कार्य पूर्ण होना ही है, हड़ताल हो तो भी होना है, हड़ताल ना हो तो भी होना है। तो ये पहली वाली शर्त है, ये ब्लैक थ्रा, हड़ताल ना हो तब कार्य पूरा हो, तो हड़ताल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हड़ताल ना होने की प्रायिकता 0.35 है। फिर कार्य पूर्ण हो जाए तो हड़ताल होने की स्थिति में हड़ताल ना होने की स्थिति में कार्य पूर्ण होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। अब देखते हैं हड़ताल हो, ठीक है, तो हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.65। फिर कार्य पूर्ण हो तो 0.32। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको देखो सॉल्व करने, ठीक है जी, तो गुणा, सवाल तो सही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई। चलो ये है इसका आंसर, आता है सवाल नंबर 20। 20, 21, 22, 23 सब एक जैसे हैं, आज थोड़ी तबीयत तो गड़बड़ है, माइंड कम काम करेगा, ठीक है। चलो 20, हाँ, दो थैले पहला और दूसरा, ठीक है, पहले वाले थैले में 3 लाल 4 काली गेंदे हैं, जबकि थैले सेकंड थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदे हैं, किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की पाई गई, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि यह गेंद थैले दूसरे से निकाली गई हो। ठीक है, तो देखो यहां लिखेंगे प्रथम बैग में क्या क्या है? 3 लाल 4 काली गेंदे, लाल गेंदे कितनी है? लाल गेंदे 3 और काली है 4। ठीक है, 3 लाल 4 काली, और दूसरे में 5 लाल तथा दूसरे थैले में लाल गेंद 5 और काली गेंदें 6। ये ठीक है, और हमसे क्या कहा उन्होंने, इन दोनों थैलों में से
एक एक गेंद, सॉरी एक गेंद निकालनी है। अब वो गेंद किसी भी थैली में से निकाली जा सकती है और ये पता लग चुका कि निकली हुई गेंद लाल रंग की है। अब इस बात की प्रायिकता कि वो निकाली गई गेंद दूसरे बैग से निकली हो, तो हमेशा बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आप लोगों को। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कैसे लगाएंगे, उसके लिए देखो मैंने आप लोगों को नूतन का जो सॉल्यूशन बनाया है काफी डिटेल समझाया है, है ना। आज थोड़ी सी तबीयत हल्की है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो हमेशा आपको जिस घटना का पता चल चुका है उसको हम लेंगे ए, यहां लिखेंगे घटना ए, लाल गेंद है, ठीक है। और घटना ई लेंगे पहला बैग है या दूसरा बैग है, माने बैग का चयन, बैग का चयन, तो सिलेक्टिंग द बैग। तो बैग के चयन की प्रायिकता तो पीई वन पीई टू दोनों की प्रायिकता 1/2, दो बैग हैं, दो में से कोई एक बैग को चुनना है, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें बीज फॉर्मूला या सूत्र लिख दो, हाँ पी ई अपॉन ए, ठीक है। ई अपॉन ए का मतलब रेड गेंद है, लाल रंग की गेंद है और फिर वो दूसरे वाले बैग से निकले, तो इसका मतलब हो गया पी ई टू दूसरा वाला बैग हो और फिर वो लाल रंग की गेंद दूसरे बैग से निकले, ठीक है। ये प्रायिकता में निकालनी है और हमारी दो स्थितियां क्या बनती हैं कि वो निकली हुई गेंद लाल रंग की है मगर वो पहले बैग से भी निकल सकती है और दूसरे बैग से भी निकल सकती है। पहले बैग से निकलने की प्रायिकता पी ई वन पी ए अपॉन ई वन इन प्लस या का मतलब प्लस, ठीक है, पी ई टू पी ए अपॉन ई टू। बैग को सिलेक्ट करने की प्रायिकता 1/2 है और वो बैग दूसरे वाले बैग से हो, रेड कलर की हो, तो इसकी प्रायिकता दूसरे कलर से रेड बॉल मतलब लाल, दूसरे में लाल गेंद कितनी है 5 है और टोटल गेंद है कितनी 6 5 11, ठीक है। ऊपर वाली ये तो द्वार, ये इसको लिख दो पीई वन माने बैग कौन सा हो, पहला बैग हो, फिर पहले बैग से लाल गेंद निकले तो 3/7 प्लस 1/2, फिर ये वाली घटना यहां जैसी की जैसी रिपीट कर दो 5/11। अब आप लोग देख रहे हो कि नीचे से 1/2 1/2 तो सब जगह से हटा दो, ठीक है। तो ये रह गया 5/11 और ये रह गया 3/7 और ये रह गया 5/11। इसका एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं तो 5/11 और 11 और 7 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 33, 11 3 33, 7 5 35, 11 से 11 काट दो और 7 5 35 ऊपर हो गया, 5 और 3 8 और 3 और 3 6, ये इसका